दो ये शुरू करने जा रहे हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा था, अरुणिमा सिन्हा का एवरेस्ट, मेरी शिखर यात्रा, बछेंद्री पाल जी का संस्मरण। अब हम जो पद्य है ना, यानी फर्स्ट जो है गद्य, उसमें हमारे दो चैप्टर हो गए थे, दुख का अधिकार यशपाल जी का, और सेकंड जो हमने पढ़े थे वो क्या था, फर्स्ट ही चैप्टर पढ़े थे क्या था, बछेंद्री पाल, इस गद्य पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हम पद्य में आपका सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमने पढ़े थे रैदास के पद, और सेकंड जो पढ़ेंगे हम रहीम के दोहे। तो आज हम जीवन परिचय आपको बता रहे हैं। देखिए जीवन परिचय में सबसे पहले रहीम जी का जन्म कहाँ हुआ था, लाहौर में, लाहौर में 1556 को हुआ था। कहाँ पर, लाहौर में 1556 को हुआ था। सेकंड में इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम, ये सब आपको जीवन परिचय में लिखना है। अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है, ये हो गया। उसके बाद है इनकी भाषा जो है कौन सी भाषा थी, अरबी फारसी, अरबी फारसी संस्कृत और हिंदी, अरबी फारसी संस्कृत और हिंदी जो है इनकी भाषा थी, ठीक है। उसके बाद अगला है मध्ययुग की दरबारी संस्कृत के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं ना, क्या माने जाते हैं ये, मध्ययुगीन, मध्ययुगीन, मध्ययुगीन दरबारी, मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि, प्रतिनिधि कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। ऐसे पॉइंट बना के आपको जीवन परिचय लिखना है ना। अब हम इसका डिटेल में जीवन परिचय आपको बता देते हैं। सभी लोग बुक नंबर, बुक में पेज नंबर कितना निकालेंगे, 78 नंबर का पेज निकाल लीजिए आप, है ना। तो जैसे सबसे पहले जीवन परिचय में लाहौर में हुआ था रहीम जी का जन्म 1556 में, पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना, उसके बाद इनकी भाषा अरबी फारसी संस्कृत और हिंदी, और ये मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि है। अब देखिए इनका जीवन परिचय, रहीम जी का जन्म लाहौर, अब कहाँ है वो, पाकिस्तान में, सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी फारसी संस्कृत और हिंदी के अच्छे ज्ञान जानकार थे। इनकी नीति प्रवृत्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ये भी पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कि अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नौ रत्नों में से एक है ना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रहीम अकबर के कितने रत्नों में से कौन सा है, तो नौ रत्नों में से एक है। पैराग्राफ चेंज में देखिए, रहीम के काव्य का मुख्य विषय क्या क्या है, श्रृंगार नीति और भक्ति, ये भी अंडरलाइन करेंगे, इसको भी जीवन परिचय में नोट करेंगे कि इनके मुख्य विषय क्या थे, श्रृंगार नीति और भक्ति। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे, इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं ना, जल्दी से याद हो जाते हैं, सरल है इनके दोहे। इनकी नीति परक दोहे ज्यादा प्रचलित है, यानी नीति की बात बताई गई कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है ना। अभी जब हम दोहे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए आगे, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर, दृष्टांत यानी उदाहरण, रोज के जो उदाहरण है, रोज हम बातचीत जो करते हैं उसमें उदाहरण देकर जो समझाते हैं, तो दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज सरल और बोधगम्य बना दिया। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था, है ना, यानी दोनों भाषाएं उनको आती थी, अवधी और ब्रज। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है ना। फिर अगला है, अगले चैप्टर में देखिए, अगला पैराग्राफ में रहीम की प्रमुख कृतियां, कृतियां मतलब रचनाएं, यानी मुख्य मुख्य जो है आपको नोट करना है। तो अब इसमें रचनाएं में देखिए, रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवई, भाषिक, भेदवर्ण, ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित है। अब देखिए ये जो दोहे हैं उसका सार आपको बताया गया। तो पहले हम जीवन परिचय में क्या क्या नोट करना है आपको एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले लिखना है आपको, रहीम का जन्म लाहौर पाकिस्तान में सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। फिर थर्ड में लिखेंगे, रहीम अरबी फारसी संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार।
प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। फिर अगला पांचवा पॉइंट रहेगा कि अकबर जो है रहीम जो है अकबर के नौ रत्नों में से एक थी, है ना। ये हो गए पांच पॉइंट, पहले पैराग्राफ पर पांच पॉइंट बनाना। फिर सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें छठवे नंबर का पॉइंट बनाएंगे आप लोग कॉपी में नोट करते समय कि रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार नीति और भक्ति है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका कि दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने इन्हें सहज सरल बना दिया है ना इनके दोहे को, है ना। फिर अगला पॉइंट रहेगा रहीम जी का को अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उसके बाद इसमें कितने पॉइंट बन रहे हैं आपके, दो ही बन जाएंगे, इसमें दो बना लीजिएगा। उसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें देखिए रहीम की प्रमुख कृतियां, ये पूरी कृतियां आपको लिखना पड़ेगा। ये आपका छह सात पॉइंट है ना, 10 पॉइंट के अंतर्गत आपको जीवन परिचय लिख लेना है और फिर याद भी कर लेना है क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में। अब देखिए ये जो दोहे हैं इसमें क्या बात बताई गई है, प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक ओर पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, है ना, जिन्हें लोगों के साथ हमें जब रहते हैं तो कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वही मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण को भी किस प्रकार के आचरण को करना चाहिए और किस प्रकार के आचरण को नहीं करना चाहिए ये भी बताते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं, यदि हम एक बार इन्हें पढ़ ले तो हम कभी नहीं भूलते और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजमी है। जब कोई भी कारण आ जाता है तो हम इनके दोहे को जरूर याद करते हैं कि रहीम जी ने ऐसा कहा था। मतलब दो मुख्य बातें इसमें बताई गई है कि ये दोहे कैसे है, नीति पर नीति की बात बताई गई है ना, और भी बोलते हैं कि हमें अपने साथ रहने वाले मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना। फिर वही क्या करना चाहिए उनके साथ और क्या नहीं करना चाहिए, और एक बार जब हम इन दोहों को पढ़ लेते हैं हमारे साथ जब भी कोई कारण आता है तो हम इनके दोहे को हमेशा याद रखते हैं। तो ये हो गया आपका जीवन परिचय और इसका सार। अब ये जो दोहे हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे, आज की कक्षा हम यही समाप्त करें। धन्यवाद बच्चों।